नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सेफ है और आगे भी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए आज हम दूसरी कक्षा की पहली कविता को सीखेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर धूप नहीं होती तो क्या होता? अगर धूप नहीं होती तो हमें गर्मी नहीं मिलती और दिन भी नहीं निकलता। वैसे ही अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता? अगर बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधों के लिए और हमारे लिए पानी भी नहीं मिलता। तो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान यानी इस कविता की कवयित्री जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने इस कविता में नटखट अंदाज में बारिश ऋतु का वर्णन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। पाठ एक, पानी और धूप। अभी अभी ती धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी? किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा? उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया, कह कर आ जा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका? किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का? तो इस कविता में बच्चे बारिश कैसे होती है इससे अनजान हैं, उन्हें पता नहीं है कि बारिश कैसे होती है, और वह अपने अपने में ही बारिश के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, चलिए हम देखेंगे। अभी अभी ती धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी? अभी अभी बाहर अच्छी धूप खिली हुई थी, धूप निकली थी, और अचानक से यह पानी कहाँ से बरसने लगा है? बरसना मीन बादलों से पानी का गिरना। कहाँ से पानी गिर रहा है? किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी? बच्चे सोच रहे हैं कि बादलों में पानी से भरे हुए घड़े, घड़े यानी मटके, मटके होते हैं, और किसी ने इन मटकों को पत्थर मारकर फोड़ दिया है। फोड़ना मीन्स तोड़ना। किसी ने इन मटकों को तोड़ दिया है। अगर ऐसे है तो ऐसी शैतानी, शैतानी यानी बदमाशी, बदमाशी मस्ती किस बच्चे ने की है? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा? और ज़ोर ज़ोर से बारिश जब होती है तो सूरज आसमान में दिखाई नहीं देते, और वह बादलों के पीछे छिप जाते हैं। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सूरज ने भी अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है? उसकी माँ मीन सूरज की माँ ने भी उन्हें बाहर बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ, ऐसे कहकर अंदर बुलाया है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका? और जब जोर जोर से बारिश होती है तो हमें बादलों से गरजने की, गरज मीन्स बादलों की जो आवाज़ ध्वनि रहती है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो उन बादलों को देखकर, बादलों को आवाज़ सुनकर वह सोच रहे हैं कि यह बादल किसके काका है, किस बच्चे के काका है, और यह जोर जोर से किसे डांट रहे हैं। जो अपने माता पिता की बातें
नहीं सुनते, नहीं मानते, उन्हें वह डांट रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे बारिश के बारे में अपने अपने में सोच रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यह समझा रहे हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए। तो आपको इस कविता का संदेश तो पता चल गया, तो आपको इस कविता को एक बार पढ़ना है और अपना वीडियो बनाकर भेजना है। तो चलिए हम अभी लिखित और मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। मौखिक प्रश्न अभी अभी क्या थी? अभी अभी धूप थी। धूप जाने के बाद क्या हुआ? धूप जाने के बाद अचानक से पानी बरसने लगा। जोर जोर से कौन गरज रहा है? जोर जोर से बादल गरज रहा है। लिखित प्रश्न किसने क्या बंद कर लिया है? सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बादल को क्या कहा गया है? बादल को काका कहा गया है। सूरज को घर के अंदर किसने बुला लिया? सूरज की माँ ने बुला लिया। कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन है? कविता में बारिश ऋतु का वर्णन है। तो इस मौखिक और लिखित प्रश्न को आपको एक बार अपने किताब में, अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।